एक समय था जब भारत सैन्य सामग्री से संबंधित छोटी छोटी वस्तुओं के लिए विदेशों पर निर्भर था, किंतु आज हम बुलेट प्रूफ जैकेट से लेकर तेजस जैसे लड़ाकू विमान भी बना रहे हैं। अब मेक इन इंडिया के इस अभियान में एक नया अध्याय और जुड़ा है, और वह है पैराशूट निर्माण। अब भारत पैराशूट निर्माण के क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर हो गया है। रक्षा मंत्रालय की पूर्ण स्वामित्व वाली DPSU ग्लाइडर्स इंडिया लिमिटेड कानपुर ने वैश्विक मानकों पर निर्मित होने वाले पैराशूट का निर्माण कर पूरी दुनिया को हैरत में डाल दिया है। आपको बता दें कि दिसंबर 2022 में वियतनाम में लगे डिफेंस एक्सपो में 30 से अधिक देशों के प्रतिनिधि मंडल ने भारत में निर्मित पैराशूट और रबराइज्ड उत्पादों की विशेषता और गुणवत्ता को देखा परखा था, जिसके बाद इन देशों के प्रतिनिधि मंडल ने इस पैराशूट की खरीद में अपनी रुचि दिखाई थी। भारत पहले ही मलेशिया को Sukhoi-30 लड़ाकू विमान के लिए ब्रेक पैराशूट उपलब्ध करा चुका है। मलेशिया के बाद अब कई अन्य देशों में भी भारत द्वारा निर्मित पैराशूट की मांग बढ़ी है। मांग के अनुसार आपूर्ति करने के लिए GIL की विशिष्ट इकाई आयुध पैराशूट निर्माणी में लगातार काम चल रहा है। आयुध निर्माणी सैन्य पैराशूट के अलावा विभिन्न देशों की सिविल मार्केट की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए स्पोर्ट्स पैराशूट के निर्माण में भी जुट गई है। वैश्विक स्तर पर स्वदेशी पैराशूटों के निर्यात से मेक इन इंडिया अभियान को गति मिल रही है।